बुरहानपुर जिले के सलीम कॉलोनी रहवासियों को बिजली नहीं मिल पा रही है, जिस कारण वो अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं और बच्चों को भी अंधेरे में ही पढ़ाई करनी पड़ रही है, जिससे परेशान होकर कॉलोनी वासी ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई। रहवासियों ने कलेक्टर से बिजली उपलब्ध कराने की भी मांग की है। बता दें कि इस मोहम्मदपुरा पंचायत में जिले के सभी शासकीय भवन आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं। अधिकारी तो मना कर रहे हैं कि बोले कि अभी खंभे आए हैं तो हमको तो लाइन होना ही ना, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको लाइन की तो बहुत ज़रूरत है। तो मेरे घर का तो मीटर ही लेके गए हैं, महंगाई का मीटर लगा दिया था। तो हम सलीम कॉलोनी नया मोहम्मदपुरा के निवासी हैं। ये जितने आवेदन कर रहे हैं इनकी बिजली की समस्या, पिछले 20-25 साल से वहाँ निवास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक के इनको वहाँ पर मीटर नहीं मिला है बिजली की तरह। तो इनकी मांग है कि जो आंगनवाड़ी क्रमांक 3 है नए मोहम्मदपुरा में, वहाँ पर बिजली के पोल लगे हुए हैं, वहीं पर इनका निवास है। उस पोल पे से अगर इनको बिजली मिलती है तो इनके लिए बहुत सुविधाजनक रहेगा, ये जो दुर्घटना होने वाली है उससे बच पाएंगे। क्योंकि इनकी जो बिजली है वो दूर से लिए हुए और तार लटकते रहते हैं इनके, तो इससे दुर्घटना होने की भी संभावना है। तो हम अभियंता जी से भी हमने निवेदन किया है कि इस पोल पे से इनको बिजली दी जाए। क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी जी का कहना है कि केवल आंगनवाड़ी के लिए खंभे लगे, इस पे से बिजली नहीं दी जाएंगी। लेकिन चूंकि ये दायरे में आते हैं, वहाँ पर 100 फीट के दायरे में खंभे लगे हुए हैं, तो ये इनको मिलना